हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का डिलीशियस ज्ञान रिंकुज रेसिपी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुनगा आलू का सब्जी, जिसको बहुत सारे जगह पे सौजन भी बोला जाता है, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। तो ये मुनगा जो है, अभी मुनगा का सीजन चल रहा है, तो पेड़ से जब तोड़ के हम मुनगा बनाते हैं ना, एकदम पतला पतला सा मुनगा रहता है। तो ये हम मार्केट से लेके आए हैं मुनगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, इस तरह से। छोटा वाला जो मुनगा होता है ना हमारे गांव में, तो उसको छीलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो तो खिंचा होता है वो। इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से काटेंगे, काट के फिर इसको इस तरह से छील के इसका ऊपर वाला छिलका हटा देंगे। मुनगा आलू का सब्जी भी बोल सकते हो आप, आलू सहजन का सब्जी भी बोल सकते हो, आलू ड्रमस्टिक का सब्जी भी बोल सकते हो। इसको हम आज अलग तरीके से बनाएंगे, ना इसमें लहसुन डालेंगे, ना प्याज डालेंगे, ना सरसों डालेंगे, क्यों बहुत सारे लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है, तो सरसों का मसाला खाने से गैस ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं इसमें सरसों नहीं डालूँगी, ना प्याज डालूँगी, ना लहसुन डालूँगी। एक ऐसा चीज़ डालूँगी जिसका स्वाद सरसों जैसा ही आएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए मैं किस तरह से आलू मुनगा की सब्जी बना के तैयार करती हूँ। इस तरह से छील के रख लेंगे। फ्रेंड्स, ये ड्रम स्टिक जो है ना, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसका फल ही तो क्या, इसका पत्ता भी इतना ज़्यादा फायदेमंद है ना, जिसको डायबिटीज रहता है या फिर बीपी का प्रॉब्लम है, इस सहजन के पत्ता को तोड़ के उसको उबाल के पानी सिर्फ एक वीक, सिर्फ एक सप्ताह पीने से ही बीपी कंट्रोल में आ जाता है। छील के काट लिया है इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। आलू को भी छील के धो के काट लिए हैं। दो टमाटर है, दो हरी मिर्च। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई गरम करेंगे, गैस ऑन करके कढ़ाई गरम करेंगे। दोस्तों, कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। सरसों का तेल है दोस्तों, सरसों के तेल में मुनगा की सब्जी काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। ये 3 चम्मच तेल डाल दिए, तेल को थोड़ा सा गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम जीरा, थोड़ा सा पीला सरसों, थोड़ा सा कलौंजी। में कलौंजी डालना मत भूलिएगा, कलौंजी से क्या है, इसका टेस्ट और भी उभर के आता है, काफ़ी अच्छा बन के तैयार होगा। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा चटकने देंगे। फ्रेंड्स, फौरन हमारा चटक गया है, तड़का हमारा चटक गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 लाल मिर्च पाउडर। इसको कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। इसी के साथ इसमें कटे हुए आलू और मुनगा डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसको हमारे गांव में मुनगा बोलते हैं, बहुत सारे जगह पर सहजन बोला जाता है। आपके इधर क्या बोला जाता है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे कि आपके तरफ इसको क्या बोलते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। डालेंगे 1 छोटे चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रहने देंगे और कढ़ाई का लीड लगा के इसको 5 मिनट तक पकने देंगे।
फ्रेंड्स, जब तक हमारा ये आलू मुनिया पक रहा है तब तक मैं मसाला बना के तैयार कर लेती हूँ। तो मसाला के लिए मैं पहले ही बताई थी कि सरसों का यूज नहीं करूँगी। तो ये है पोस्ता दाना, ये 2 चम्मच पोस्ता दाना, जिसको धो के भिंगा के इस तरह से 5 मिनट पहले रख दिए थे। ये देखो इस तरह से फूल गया है। इसको डालेंगे मिक्सी के जार में। बिल्कुल सरसों वाला टेस्ट आएगा इसमें। सरसों हम डाल भी नहीं रहे हैं फिर भी सरसों वाला टेस्ट आएगा। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। फ्रेंड्स, ये 2 टमाटर है, इसको ये बड़े बड़े टुकड़े में काट लेंगे। बड़े बड़े टुकड़ों में काट के इसको भी डाल देंगे मिक्सी के जार में। इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। इसी के साथ इसमें डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला हमारा तैयार है सब्जी में डालने के लिए। ये देख सकते हो आप लोग, ऐसा पेस्ट बनाकर तैयार किए हैं। अब चलिए, 5 मिनट हो गया है, कढ़ाई का लीड हटा के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी भी हमारा भुन गया है। इसी के साथ इसमें डाल देंगे पेस्ट बनाया हुआ मसाला। मसाले और सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं बना के दिखा रही हूँ ना, प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। काफ़ी अच्छा ये सब्जी बन के तैयार होगा। सुपर टेस्टी एंड हेल्दी मुनगा का सब्जी। मुनगा की सब्जी तो बहुत लोगों ने बनाया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन जिस तरीके से जो मसाला डाल के मैं बना रही हूँ, एक बार आप लोग बना के देखिए, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है ये सब्जी। इस तरह से सब्जी बना के खाने से पेट भर जाएगा आपका, कि मन नहीं भरेगा, बार बार ये सब्जी बना के खाने का मन करेगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए मैं किस तरह से ये बनाती हूँ, आलू मुनगा का सब्जी। फ्रेंड्स, मसाला और आलू मुनगा अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और कढ़ाई का लिड लगा के इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे अच्छे से। दोस्तों, 5 मिनट हो गया है, कढ़ाई का लीड हटा के देखते हैं। वाह, ये देखिए कितना सुंदर सब्जी बन के तैयार हो रहा है। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, पूरा घर खुशबू से महक रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना ये आलू मुनगा का सब्जी, एक बार प्लीज एक बार ट्राई करके देखिए। बस 2-3 चीज़ जो है ना उसी को ध्यान में रखना है। जैसे फ़ौरन तड़का लगाएंगे, तड़का में थोड़ा सा कलौजी डालना मत भूलिएगा। कलौजी से काफ़ी अच्छा टेस्ट बन के तैयार होता है। और जिसको गैस का प्रॉब्लम है, सरसों से गैस बनता है, सरसों के स्किप कर दीजिए, सरसों की जगह पे पोस्ता दाना पीस के डाल दीजिए। ग्रेवी भी ठीक बन जाएगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा बनेगा। लगेगा जैसे सरसों डाल के हम सब्जी बना रहे हैं, टेस्ट भी अच्छा ही आएगा। सब्जी हमारा भुन गया है, देख सकते हो आप लोग, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए 1 गिलास पानी। ग्रेवी आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा। ये देखिए 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से मिला दिए हैं। अब कढ़ाई का लीड लगा के इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। सब्जी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है, कढ़ाई का लीड हटा के देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। ये देखिए सब्जी हमारा बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें कटे हुए धनिया डाल देंगे।
फ्रेंड्स, ये हमारा आलू मुनगा का सब्जी बनके तैयार हो गया। देख सकते हो आप लोग कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है। देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसको थोड़ा ठंडा करके चावल के साथ सर्व करेंगे। चावल के साथ भी खा, चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो, पूरी पराठा किसी भी चीज़ के साथ अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा जो फ्यूजन है वो मैं बता रही हूँ, चावल के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से ग्रेवी बना के खाने में। फ्रेंड्स, तैयार है आलू मुनगा का सब्जी। इसको मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, देख के ही मुंह से पानी आ रहा है ना। फ्रेंड्स ये देखिए कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है। ये मुनगा तो मुनगा, मुनगा का फूल पत्ता सब कुछ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इतना सुंदर सुंदर चीज़ बनता है इसका। मुनगा का साग भी बनता है, पत्ते का, फूल का पकौड़ा बनाइए, बचका बनाइए, कुछ भी बनाइए, किसी भी तरह से मुनगा का कुछ भी बनाइए, शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कैसा लगा हमारा ये आलू मुनगा का सब्जी का रेसिपी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सुंदर और जल्दी आसान तरीके से बनाने वाला रेसिपी के साथ। जिस तरीके से मैं बनाई हूँ आप लोग भी बना के देखिए, काफ़ी अच्छा बन के तैयार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।